घुमाया गया मैं आज भाई। इतना बड़ा ग्राउंड है ना ये, कई बार दिखा दी मैंने आपको, देखो पूरा मत कौन दे गया तो खमा जी। ये भाई छोटी छोटी घास होती है बिल्कुल नीचे ना, वही चरती है भेड़ होती है यहाँ पे सारी। तो भाई ये सामने पे ना मेन रोड पार, और अभी हम आ गए यहाँ पे, वो हम यहाँ कहीं से नीचे उतरेंगे नदी को देखेंगे कितना पानी है नदी में। आज ब्लू है पानी, पानी पता नहीं ब्लू और हद लाओ गिरा। भाई सारी भेड़ बकरी है ना सॉफ्ट लैंडिंग करने लगी हुई है। नहीं सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर रही है यार, बड़ी हार्ड लैंडिंग हो रही है, क्योंकि कोई पत्थर भी गिरा रही होनी और नीचे भी पानी का मतलब पानी पीने जा रही है नीचे। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे भाई, आधे से ज़्यादा ना भेड़ बकरियाँ देखो नीचे चली गई हुई हैं, और यहाँ तो छोटी छोटी दिख रही हैं भेड़ बकरियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही हैं। और पूरी एक लाइन लगी हुई है भाई पानी पीने के लिए, इनकी ना होड़ मची हुई है। और मामा जी ये कर देती हैं बारिश को नदी को, ये नहीं करती है। हाँ, आगे से ये आगे से भाई इसको क्रॉस करते हैं, पार करते हैं ना ये। मामा जी ठीक है तब ना, फिर क्या बोलते हैप्पी जर्नी आपके लिए भी, आराम से आना अपना। हाँ मैं करगा फोन, कोई नहीं आओ, बाकी करो आप काम धाम आराम से, देखते हैं हम फिर टाइम हुआ तो कहाँ मिलेंगे हम, रोहतांग पास पे शायद कहीं। हाँ पर देख रहे हैं, चलो कोई नहीं, ओके मामा जी बाय ना। ओके के तो भाई इस वाली पहाड़ी को उतर दिया हमने नीचे, यहाँ आगे और वहाँ पे छोटू भाई और मामा जी बैठे हुए, वहाँ पे बाय बाय करेंगे देखो वहाँ पे। चलो भाई चलते हैं, अभी हम नदी करेंगे, कहाँ से करेंगे पार पता नहीं, देखते हैं। और सारी भेड़ बकरियाँ इनकी आगे हुई है पानी पीने के लिए यहाँ पे। बड़ी खतरनाक सी ज़िंदगी है यार इन लोगों की, कई बार बुरा लगता है मुझे इनके लिए, कई बार लगता है कि चल कोई नहीं यार मेहनत कर रहे हैं बंदे तो ठीक है। अभी भाई हम यहाँ से उतरेंगे ऐसे ऐसे करके नीचे, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी पहाड़ी पे नीचे उतरने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये सब मां जी की वजह से मांझा बोला यहाँ से जाएंगे हम। भाई यहाँ तक मैंने बैग खुद उठाया था, मत बोलना कि मां जी के पास बैग दिया हुआ है, उसके आगे मुझे मुश्किल होगी बिल्कुल ही यार, मां जी के पास देना पड़ा बैग। थैंक यू यार मां जी, बाकी वहाँ पे गिरने वाला था वो गिर भी सकता था वहाँ से, जहाँ से हम वो छलांग लगाने की सोच रहे थे, करा दी थी मेरी लैंडिंग आपने सॉफ्ट आज इधर। चलो भाई ये सारी भेड़ बकरी हैं, और नहीं मां जी मुझे बोल रहे हैं कि भेड़ बकरी तो ले जाने को ही नहीं, मुझे चाहिए। कौन ये कुछ रही है इतना ठंडा नहीं है यात्रा मान जी, मान जी ठंडा पानी नहीं है। तो भाई फाइनली ना हमने इस वाली नदी को कर लिया क्रॉस, पूरा नंगा होना पड़ा था यार क्या करना। वो मान जी जूते कहाँ पहनूं मैं भाई, पूरी टांगे सुन हो चुकी हैं इस टाइम पे, जूते पहन लेते हैं मैं, देखो जूते कैसे बांधे हुए थे पीछे उधर। थैंक यू मान जी यार, बहुत बहुत धन्यवाद मान जी। भाई मार्केट तक जा रहे हैं मेरे साथ ना, अभी कुछ सामान लेके आना बोला इन्होंने, सरप्राइज दे दिया मान जी ने, मुझे लगा वापस हो जाना इन्होंने यहीं से। ये भाई बीच है यहाँ का, ये आप मतलब गोवा वाला फील ले सकते हैं आप यहाँ पे, बाकी ऐसे पहाड़ वाला फील भी ले सकते हैं आप, बाकी नदी वाला फील भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें मिक्स है यहाँ पे गोवा वाले बीच पे। मान जी ये पानी तो है नहीं ठंडा इतना, ये पानी तो ठंडा नहीं है इतना। हाँ।
यहाँ पे भाई सारे भेड़ बकरी हैं, और वहाँ से उतरे हम नीचे जैसे कि आपने देखा, और अब नदी को छोड़ के इन पहाड़ों, देखो कैसे कैसे पहाड़ हैं, गिर भी सकते हैं भाई, बिल्कुल ही कच्चे पहाड़ हैं यार, देखो इस तरफ कोई वैसे ही हैं। और अब हम चलें इस तरफ को, माँ जी ने बैग उठाया है, बैग अब हम खुद चलाएँगे। मान जी दो मेरा बैग, दो मेरे पास, अब नहीं दे दो प्लीज, मैं खुद चलाऊंगा यार, ऐसे नहीं होता, दे दो इधर भाई। अगर ना हम मनाली से 300-300 किलोमीटर दूर की बात करें ना, कि भाई पहाड़ साफ होंगे, अनटच होंगे, तो नहीं ऐसा नहीं है, कूड़ा है, बोतल ही बोतल है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, 4-5 बोतल यहाँ पड़ी हुई है, और पानी की बोतल ये पड़ी हुई है, एक यहाँ पे दबी हुई है स्लाइस पानी की बोतल, वो पड़ी हुई है पानी की बोतल, वो पड़ी हुई है, और ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, और हम इनको गंदा करने लगे हुए हैं, सारा कचरा नीचे जाएगा भाई नदी में, और फिर नदी में बह के समुंदर में, और फिर होंगे फिर, और फिर आएंगे फ्लड भाई हिमाचल में, और क्या होगा, करता कोई है भुगतता कोई है, नहीं बोल सकते। क्यों वापिस हो जाना ऐसे? तो भाई फाइनली भाई फिर से ना हम पहुंच गए सचू में, ट्रक वाले भाई बुला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो भाई ना भाई ट्रक वाले भाई मुझे बुला रहे थे, भाई गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई मीटर में ना, तो यहाँ कुछ मतलब भाई जैसे ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, बट मेरे को गाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है भाई, भी हमारे मंडी वाले साइड से ही आए भाई, खज्जल हो गए, अब क्या करना, 5 दिन से तो जिंग जिंग बार में खड़ा हूँ मैं। ओहो छठा दिन आ गया, जिंग जिंग बार में क्या हो गया था? बस वो ऐसे ही पानी बार फेंका, फोर मैन आया और आके चले गए देख के, ओ यार ओ। गाड़ी ब्रेक डाउन है, काम कुछ हो, तो मालिक को बोलो आप बोला, मालिक तो एजेंसी के सामने ही घर है, मालिक का, मालिक तो एजेंसी के पास ही बैठा है, लेकिन अब मालिक के हाथ में भी क्या है, मैं ओ यार टाटा की गाड़ी है, ये ले लैंड की है, अरे अशोका वालों को देखना चाहिए ना अपनी गाड़ियों के बारे में, क्या मजाक बना है, और क्या लेने जाए किसी गाड़ी में, फिर नहीं भाई जी बंद करो, 7-8 गाड़ी है वैसे लगी रोड में खड़ी होनी, तो और भाई की भाई बार फिर से हम सरजू पहुंच गए, यहीं से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, यहीं पे मतलब एंड तो नहीं होगा, अपने रूम पे होगा इस वाले ढाबे पे, यहाँ पे हम चाय पियेंगे भाई के पास, मान जी भी बैठे हुए, हाँ जी मान जी लिफ्ट चाय, कुछ लिफ्ट नहीं है भाई, दिसोना पड़ेगा मेरे को आज, मेरे को लगता वो सफर निकाल लूँगा ठीक है, तो भाई अभी चाय पियेंगे ना, और उसके बाद देखते हैं कुछ गाड़ी वूड़ी का, कोट पटी के सारे मान जी सनबर्न हुई है क्या हुई गया भाई, मान जी के पास हमने आलू दे दिए, आलू खत्म हो गए थे इनके पास, बाकी मान जी ठीक है, पीछे मुड़े के तो आप ऐसे जा रहे हैं नाराज होके जा रहे हैं, आराम से करना नदी पार ठीक है, आगे वाली ठीक है, ओके आराम से जाना आप ठीक है, फोन करूंगा फिर मैं, ओके बाय, बस फिर आएंगे बाद में, हाँ जी हाँ जी नीचे से तो आ रही है सर, पर ऊपर से नहीं आ रही,
तेरे लिए तो सारी दुनिया नाल लड़ लागे, तू जीते तेरी आई अब मर लागे, तू जीते तेरी आई अब मर लागे, तू जीते तेरी आई अब मर लागे। मैं ताइयों चिया दीवारा रखिया इस दिल दे चार चुफेरे नाल सांभ के रखनिया, कोई दिल च लड़ाने डेरी हाँ मेरा पहला भी दिल टूटिया, फिर टूटिया मेरा एक बारी क्यों दिल दी दीवारा ते मैं इतना बरनी बारी। मैं ताइयों चिया दीवारा रखिया इस दिल दे चार चुफेरे नद सांभ के रखनिया, कोई पूछ ना तेरी हाँ मेरा पहला भी दिल टूटिया, फिर टूटे मेरा एक बारी क्यों दिल दीवारा ते मैं इतना बनाई बारी। तो भाई सर चू से ना मुझे लिफ्ट मिल गई हुई है ट्रक वाले अंकल जिनके साथ जा रहा हूँ, और अभी हम रुके हैं कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पे, उस्ताद जी को चेक करने लगे हुए हैं। बहुत बहुत ठंडी हवा है सर। तो भाई हम पहुंचे हैं तांदी, तांदी नाम की जगह है। अब यहाँ से अभी भाई साहब मैं ना 10 से 11 बजे पहुंचूंगा रात को अपने रूम पे, और ये ट्रक वाले भाई हैं, मतलब मुझे दूसरा वाला ट्रक मिला, वो पहले वाले ट्रक वाले भाई रुके, उनको कुछ मतलब ना सब्जी वगैरह भरवानी थी किलोंग से, तो अब हम इस वाले ट्रक पर जा रहे हैं। ट्रक वाले सब फिर चलो भाई आज अब क्या ही करें, ये ऐसा कुछ मौसम है सामने के पहाड़ों पर, और साथ में चंद्रा नदी बह रही है, चंद्रा ही है ना चंद्रा। अभी 12 बजने लग गए हुए हैं और बिल्कुल लेट हो गया यार मैं, और इस टाइम पे कुल्लू शहर की गलियां बिल्कुल सुनसान, कुत्ते भौंकने लगे हुए हैं कहीं कहीं पे। तो भाई रात के पूरे 12 बजने लगे हुए हैं इस टाइम पे, और इस तरफ का ढालपुर ग्राउंड कुल्लू का, और अभी मुझे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आगे जाना है, सामने पे चंदा मामा भी चमके हुए हैं। इस टाइम पे ना तो ऑटो वगैरह कुछ था नहीं, यहाँ पे पैदल ही जाना पड़ेगा, मतलब ठीक ठाक सन्नाटा छाया हुआ है इस एरिया में। 1:12 बजे पहुँच के अपने रूम पे, और यार यहाँ पे तो भाई गर्मी है, मैंने आते थोड़ा पंखा चलाया।